तुम्हारे जात का वड़ा पाव मारू। अबे शालो लो भाई अपने मौत को चुनौती दे रहे हो तुम, समझ रहे हो मौत को चुनौती दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पेटी बना। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्क पायरिया का एक और नया ब्रांड न्यू एपिसोड। आर्क पायरिया के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि गाइज हमने भाई बॉस जो था आर्क पायरिया का एक, उसको भाई पेलम पाल दे दिया था भाई। बॉस फाइट अपन ने जीत ली थी एंड गाइज अपन ने एक टीम कर लिया था खतरनाक वाला वाइब्रन। कहाँ पे भाई, ये रहा भाई, वो ये रहा भाई अपना ब्रूट वाइब्रन। अपन ने टेम कर लिया था भाई ये खतरनाक वाला ब्रूट वाइब्रन, जो कि एकदम छड़ी की तरह सीधा ही दिखता है। ये देखो ये एकदम छड़ी की तरह भाई एकदम स्ट्रेट। अरे भाई चलो इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के इस एपिसोड में अपन क्या करने वाले हैं, मैंने जब बंदों को बोला कि आर्क पायरा खत्म होने वाला है तो काफ़ी बंदे बोले भाई ये डायनो टेम करो, वो करो, गॉडजिला टेम करो, ये करो। तो भाई मैं बोला भाई गॉडजिला इस मॉड में नहीं होता, गॉडजिला के लिए अलग मॉड डालना पड़ता है, वो अपन कभी आगे फ्यूचर में डाल के टेम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम बंदों ने बोला भाई रॉक ड्रेक अगर होगा तो रॉक ड्रेक भी टेम कर लेना आर्क पायरा खत्म होते होते। तो मैं बोला ठीक है चलो भाई सर्च कर लेते, और हमने सर्च करा तो हमको भाई यहाँ पे मिला एक रॉक ड्रेक। यस गाइस नॉर्मल रॉक ड्रेक नहीं है, पायरिया का रॉक ड्रेक है। अभी पायरिया का है तो इसके पास कुछ स्पेशल पावर तो होनी चाहिए, रुको मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो एश प्लूम रॉक ड्रेक, ठीक है, ये है पायरियन रॉक ड्रेक। ये आज अपन अपने इस एपिसोड में करने वाले टीम, और तीन चार एपिसोड के बाद जो भाई आर्क पायरिया है वो होने वाला है भाई, द एंड, गेम ओवर होने वाला है, ओके। और भाई मैंने बोला था कि अपन डिवाइन टीम करने वाले, डिवाइन का अपन एक, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, डिवाइन आर्चर, ये ब्रेसेसर या फिर कौन पैलेडिन, ये जेनिथ, ये सारे डिवाइन अपन टेम करने वाले थे, लेकिन ये टेम करेंगे अपन बाद में, फिलहाल अपन टेम करने वाले भाई रॉक ड्रेक, ओके। तो एश प्लूम रॉक ड्रेक अभी अपन टेम करने वाले पहली फुर्सत में, तो यहाँ पे पहले इसके कोऑर्डिनेट ली जाए भाई, एक एक ही टेम करूंगा, मेरे को पता है थोड़ी सी छोटी वीडियो होंगी, लेकिन अपन को आर्क पायरिया भाई जल्दी से खत्म करना है। आप बोलोगे क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो है ना, हाँ डायनो दिखने के लिए अच्छे है भाई, लेकिन उनके पास उतनी पावर्स नहीं है, उतने मतलब खास भी नहीं दिख रहे, ठीक है, मॉन्स्टर ही सारे दिख रहे। अपन को ये पायरिया खत्म करके इसमें जल्दी से जल्दी डालने गाइस आर्क इटर्नल। कल मतलब आज जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तब अपन ने लाइव स्ट्रीम करी थी, मतलब ये आर्क पायरा द एंड हो चुका है, सारी वीडियोस बना दिए आर्क पायरे की। मेरे हिसाब से कल शाम तक या कल सुबह तक आपको आर्क इटर्नल की भाई वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि अपन इस सर्वर में डालने वाले आर्क इटर्नल, ये एकदम मस्त बिकी। तो चले गाइस बिना किसी देरी के फटाफट से यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, 3029 बोले तो इधर कहीं पे, यस इधर कहीं पे, चलो फटाक से वाटर वाइब्रन ले लेते और निकल जाते भाई, उसकी देख लेते पावर कैसी है। दिखने में बस नॉर्मल रॉक ड्रेक की तरह ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता हो, एकदम कूल दिखता हो तो मज़ा ही आ जाएगा, ओके। लेट्स गो अपन देख लेते जाके फटाक से, टेमेबल हो सबसे इंपॉर्टेंट भाई, टेमेबल हो, अगर टेमेबल नहीं निकला तो भाई एल लग जाएंगे, ओके। और गाइज उसको टेम करते हुए अपन जा रहे, तो आपको बता दूं गाइज अभी तक भाई 47% ऐसे बंदे जो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों फ्रेंड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं आप भाई, नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो ना मेरे फ्रेंड्स, ओके। और भाई शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 100K पे अपन कुछ स्पेशल करने वाले, काफ़ी टाइम से अपनी एक चीज़ भाई पेंडिंग थी, वो पेंडिंग चीज़ अपन भाई कंप्लीट करने वाले 100K पे। अभी गाइज कमेंट सेक्शन में बताना भाई कौन सी पेंडिंग चीज़ मैंने जो बोली थी और अभी तक करी नहीं, जो अपन 100K पे करने वाले, और 100K पे भाई खतरनाक वाली है वो चीज़, और भाई नॉर्मल नहीं एकदम डेंजरस लेवल पे होने वाली चीज़, ओके। तो आप सोचना क्या होगी वो चीज़, और मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, देखते हैं आप कितने बंदे भाई सही जवाब दे पाते हो, ओके। अपन यहाँ पे पहुँच चुके 3029, और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद यानी के चैनल की, ठीक है, जिनके चैनल पे अपनी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब है इसके कारण। तो अगर आपको इटर्नल की वीडियोस देखनी है तो इटर्नल का एक एपिसोड अपने चैनल पे, एक उनके चैनल पे अपलोड होगा, तो जाके जरूर देख लेना, ओके। तो यहाँ पे 3029, अच्छा और आगे जाना है भाई, मैं यहाँ पे क्यों रुक गया, इधर जाने के पे, ओके 3029, मैं स्पाइग्लास चालू कर लेता हूँ फटाक से, ऑल राइट 29, ऑलमोस्ट अपन 29 पे पहुँचने वाले वैसे, या फिर मैमथ बहुत ज़्यादा ही घूम रहे हैं भाई, कुछ ज़्यादा ही मैमथ घूम रहे हैं। 29 पे पहुँच गया, मेरे को 30 पे पहुँचना है, 29 पे फिलहाल उड़ रहा हूँ मैं, वो रहा भाई ये तो दूर से ही दिख गया भाई, टेमेबल है भाई, मज़ा आ गया भाई टेमेबल, वो 29 प्राइम मीट, मजाक कर रहा है यार भाई, 29 प्राइम मीट चाहिए तेरे को भाई, सालों लेगा क्या टीम होने में भाई, इसके अभी उसके अलावा उसको वेनम चाहिए, नेमलेस का वेनम कहाँ से लाओ भाई, वो बीजे वहाँ पे, रुक जाओ बीजे, तो अपन
फायदा उठाएंगे उसका भाई, फायदा उठाए। अब बापरे बापरे, ओ भाई कितना 400 डैमेज दे रहा है ना, ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा, ज्यादा डैमेज तो नहीं दे रहा भाई अपना। आजकल मेरे को ऐसी क्यों लग रहा है अपना वाटर वाइब्रेंट कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि भाई कोई भी डायनो आके पहले कोई हाथ भी लगा देता था वाटर वाइब्रेंट की तो भाई चड्डी निकल जाती थी भाई, हवा टाइट हो जाती थी। अभी तो भाई कोई भी आके मारता है इसको असर ही नहीं पड़ता ज्यादा। अबे भाई रुको, ये रुको भाई, इतनी तेजी से कहाँ पे जा रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, हवा में तेरे को काच करके पाट से नहीं लगा यार, रुक जा रुक जा रुक जाओ पाट से, ये देखा भाई पाट से हेड शॉट, रुक जाओ रुक जा रे। अबे रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है क्या पाट से, अबे भाई लगा ही नहीं, हेलो कुछ ज्यादा ही जिगल दे रहा है, रुक जाओ ये मर बात ची ले, अंदाजे से मारा है लगा ही नहीं भाई। ओके ये यहाँ पे जा रहे मतलब इधर वो इस टाइम पे यहाँ पे होगा, तो अपन ऐसे कट करके कैलकुलेट करके मारेंगे, लेकिन अपना कैलकुलेशन गलत हो गया भाई। नाक कटा रहे कितनी बार भाई, लगे जा यार लगे जा गले। अबे तेरी भैंस की आँखें मारू, कहाँ पे चला गया, अबे अबे चाले अबे गायब, आइला आइला जादू कहाँ पे, बे जादू नहीं कहाँ पे चला गया, ओ दिल ये रहा भाई, भाई अचानक से आंखों के सामने से गायब हो गया भाई। बम पे मारूंगा ले भाई, अभी तो नॉक हो, मजाक कर रहा है, अटक गया ना अटक गया ना अटक गया ना अटक गया ना, रुक जा। जय भद्रकाली ले भाई, भद्रकाली जय भद्रकाली बोला और तू नॉक नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्ची, रुक जाओ एरिया क्लियर करने दो, क्या रे झगड़ा झगड़ी मत करो, साफ करो, समझ गए समझ गए भाई। हेलो क्यों रे भाई क्यों मार रहा है, क्या ही दिक्कत है तेरे को, क्या ही दिक्कत है, निकल पहली फुर्सत में। ये डॉक्टर इनविजिबल नहीं था भाई, ये इनविजिबल नहीं हो सकता क्या, क्या रे मेरे बच्ची तू इनविजिबल नहीं हो सकता क्या। पिरामिड कितना चाहिए भाई, 50 ले, तेरे को 29 मांग रहा है तू, मैं तेरे को 50 देगा, तू 29 मांगेगा मैं तेरे को 50 देगा। ओके बाप रे, अबे शाले तू टॉर्पर तेरा कम हो रहा है या मजाक कर रहा है भाई, हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, इतनी तेजी से कितना किसका टॉर्पर, ये ले भाई मेरे पास है ना भाई, काय को टेंशन लेता, लाइट मैन अच्छा ये लाइट मैन है, मेरे को लगा ये जेलीफिश जो मिलता है ना उसकी तरह वर्क करेगा, लेकिन ये वैसे वर्क नहीं करता कुछ। ये बाबा क्यों रे, ये बाबा क्यों रे, हो जा भाई ठीक है। इसके लिए मेरे को ब्लैक बेरीज का जुगाड़ करना पड़ेगा, इसका फूड बार जो है ना, मैं गजम भाई साहब इतनी ज़्यादा जल्दी फूड बार किसका कम होता है भाई, मैंने गलत डिसीजन ले लिया क्या इसको टीम करने का, ऊपर से इसको 29 चाहिए, फर्टिलाइज एक फर्टिलाइज फर्टिलाइज वाइब्रेन एक, रुक जा ये इसका जुगाड़ मैं कर सकता हूँ एक्चुअली मैं तेरे के लिए, रुक जाओ अबे जावरे, फर्टिलाइज वाइब्रेन एक का मैं जुगाड़ इसके लिए कर सकता हूँ, बस खाएगा क्या तू, तू फर्टिलाइज वाइब्रेन एक खाएगा ना, लिखा तो है फर्टिलाइज दो वाइब्रेन एक चाहिए होगे, ओके फर्टिलाइज वाइब्रेन एक चाहिए, इस मैप में मेरे को पता है वाइब्रेन एक कहाँ पे मिलते हैं, तो वाइब्रेन एक का तो जुगाड़ इसके लिए मैं कर सकता हूँ, बस अगर ये नहीं खाएगा ना तो मेरे इल लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो 29 अगर अपन करने जाए ना तो 29 भाई काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं वहाँ तक पहुँच के यहाँ पे वापस आने तक अगर ये उठा नहीं तो मैं इसके लिए फर्टिलाइज वाइब्रेन एग का जुगाड़ कर सकता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हाँ ज़्यादा नहीं भाई, बस 400 किलोमीटर दूर जाना है, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है। ये उठे ना, उठ गया भी फिर भी यहीं पे रहेगा ना, चलो निकल लेते, चलो निकल लेते, एग लेके आते भाई, एग चुरा के लाते फर्टिलाइज वाले, वैसे वाइब्रेन पेटी ना बनाते वहाँ पे, नहीं बनाएंगे भाई, डर के आगे जीते, लेट्स गो लेट्स गो गाइज, डर के आगे जीते भाई, आना नहीं पीछे लोंडो लोंडो, आना नहीं पीछे ठीक है। तुम्हारे नेस्ट बिस्ट है कि नहीं, हाँ नेस्ट है, रुक जाओ यक नेस्ट तो दिखाई दी, यक मिनट यक मिनट यक मिनट यक मिनट, ये भाई उठा ले रे बाबा, नाइस बैठ जा भाई, दिखा नहीं किसी को, दिखा नहीं, ये एकदम सेफ, ये एकदम सेफ हूँ मैं किसी को दिखाई नहीं, मैं किसी को दिखाई नहीं। अबे रुकना भाई, काहे फ्रीज कर रहा बे, मेरे को एक और नेस्ट लेने दे, अबे काट के फेंक दूंगा एक एक को भाई, नाटक नहीं करना ज़्यादा, तुम्हारे जात का वड़ा पाव मारो बे, अबे अबे चालो अबे चालो, लो भाई अपने मौत को चुनौती दे रहे हो तुम, समझ रहे हो समझ रहे हो, मौत को चुनौती दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पेटी बना दूंगा एक एक की। अबे तुम्हारे मादर बट, इधर आओ सारे आना, एक एक करके कोई नहीं आएगा, एक एक करके कोई नहीं आएगा, सारे आएंगे भाई, मन पे ले लिया क्या, मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था भाई, एक एक करके आओ बे, अबे भाई हेलो हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, टीचर को नाम करूंगा भाई, सारे मिलके मार रहे हो भाई, एक एक करके आ जाओ भाई साहब, भाई बैंड बजा दी बे, लोंडो ने बैंड बजा दी भाई, एक की भाई 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार हेल्थ लेके आ रहे हो भाई, भाई मैं फायर वाला टके कर, मुँह से पानी छोड़ बे, अबे लग जाओ, अबे भाई लाल नीला हरा पीला काला
भाई सारा भाई क्या ही मार रहे बे, क्या ही मार रहे हो भाई, हेलो भाई चीटिंग चीटिंग। एक और मरा, ज्यादा नहीं बचे, चार पांच बचे और, सबको मारेगा। एक और मरा, ले भाई ये भी ब्लडी मैं भी ब्लडी। आ जाओ भाई, वाटर वाइब्रेंट वर्सेस भाई आइस वाइब्रेंट, चार पांच आइस वाइब्रेंट की तो पेटी बना दी मैंने, बस और चार पांच बचे हुए, रुक जाओ इनको भाई ना। आज छट्टी का दूध याद दिला दिया ना, देख लेना बस मेरे को दिलाने दिला रही है। बाघ बाघ बाघ, कभी कभी यही सही होता है कि आप अपने कदम पीछे हटा ले, ठीक है। सबक एक को सीख हम सबको, बगले 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 बगले। एक काम कर, आरआईपी वाटर वाइब्रेंट इन द चैट गाइस, ठीक है। लेकिन वाटर वाइब्रेंट की पेटी तो मैं ऐसे तो बनने नहीं दूंगा गाइस, मैं ऐसे उसकी पेटी तो बनने नहीं देने वाला, टेंशन नहीं लेने का। नाइस, मार दे मेरी, मेरे को मार दे, मारना बिंदास मारना। बस क्या भाई, बस क्या भाई, टेंशन नहीं लेने का, देख रहे हो। इसे कहते भाई 100 IQ, ठीक है। इसे कहते गाइस 100 IQ, ऐसे दिमाग लगाया जाता है, समझ रहे हो। आप बोलोगे भाई तू मर गया, लेकिन नहीं मरा, यू आर किल्ड बाय आइस वाइब्रेंट, ठीक है। मेरा वाटर वाइब्रेंट भी बचा, मैं भी बचा, मेरे सिर्फ कच्चे पड़ गए, मेरे कपड़े फट गए, और कुछ नहीं हुआ। बाकी सब फर्स्ट क्लास है गाइस, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। रुक जाओ, ये रो भाई, ए रिपेयर कर रहे, बाबा रिपेयर कर। खत्म। एक अंडा भी मस्त अभी लेके आ गया मैं, एक अंडा भी लेके आया ना ये, वो दैल। अबे अंडा कहाँ पे, हाँ ये अंडा, मेरे को टेंशन आ गया था बे, ऐसा काहे कर रहे हो। अभी बोला भाई अंडा कहाँ पे चला गया, ठीक है रुक जाओ, स्किन ड्रॉप कर एंड चलो। वाटर वाइब्रेंट सर जी आप रेस्ट कर लो यहाँ पे, भाई ये नहीं वाटर वाइब्रेंट, ये रहा वाटर वाइब्रेंट, बच गया भाई अपना शेर, ये देख रहे हो अपने शेर की भाई फटके हाथ में आ गई थी, थोड़ा सा थोड़े से के लिए बच गया, बस हल्का सा बच गया, वरना इसकी पेटी बनने वाली थी। चलो अपना शेर यहीं पे रहेगा, दूसरा शेर लेके जाएंगे। अबे भाई रुक जाओ, दूसरा शेर कहाँ पे, वो भाई वो चोर कहाँ पे, चोर कहाँ पे, ये रहा ना चोर कहाँ पे, हाँ ये रहा चोर, हाई लेवल का चोर कौन सा है, 500, अबे 400 लेवल वाला ना। चल भाई चल लोंडे, चल भाई एक और अंडा लेके आना है अपन को, चल मेरे बातची, चल चलो भाई वापस से वहाँ पे पहुँच जाते, एक और अंडा चुराते, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा। चलो भाई पहुंच जाते, लेट्स गो। 2 hours later. ओके गाइस, अपन आसमान की ऊंचाइयों में तो आ चुके हैं, ओके, और मैं अंडा भी लेके आया हूँ साथ में, ठीक है। मैं भाई दूसरा अंडा ले बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं भाई। इसकी हेल्थ कितनी है लोंडे, हेल्थ कितनी है, बाप रे इतनी ज्यादा हेल्थ है क्या भाई तेरी, साले बावड़ी पूछ, इतनी ज्यादा किसकी हेल्थ होती है, कल्टी मार ऐसे ऐसे, सुमड़ी में चल सुमड़ी चल, उनको उनको पता भी चला ना कि अपन अंडा डाप रहे हैं, अंडा अपने पास पुराना वाला है भाई, पेटी बना देंगे, सुमड़ी में चल। वो रहा एक और नेस्ट, यहाँ से चुराया था ना पिछली बार अंडा मैंने, यहाँ से, अरे नहीं 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 नहीं, जय भद्रकाली, उतर, अबे उतर मेरे बच्चे, अंडा सामने उतर जा तेरी माँ का साकी नाका भाई, ओके पिकअप है, नहीं, मार के दिखा, मार के आजा, मारने आजा अंदर मारने, चल निकल भाई, 3000 डैमेज है, मजाक नहीं करना मेरे से, ठीक है। हेलकैट भुर्जी बना देगा तुम्हारी, लोंडो कलवा के लोंडे भाई, बारिश हो रही है, बारिश बिरिश का अपन को कोई लेना देना नहीं, निकल भाई निकल। पहली फुर्सत में अपन को पूछना है उस क्या था वो, रॉक ड्रेक के सामने पूछना है, ठीक है। मूवमेंट स्पीड बढ़ा, चल 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 भाई, रॉक ड्रेक के पास पहुंच जाते फटाक से, और उसको अंडे खिलाने, बस वो भाई वापस से उठा ना हो भाई, बेहोशी से भाई उठा ना हो, बस इतना ही चाहिए, अगर उठाओगा तो एल लग जाएंगे बस, और कुछ नहीं। लेट्स गो, चलो मेरे बातची। थोड़ा सा गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बारिश के कारण मेरे को एरिया ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि मैं आया कहाँ से था, गया कहाँ पे था, मैंने उसको नॉक कहाँ करा था, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं भी यहाँ पे नीचे करा था कहीं पे, शायद यहाँ पे नीचे करा था, शायद पता नहीं, शायद यहाँ पे, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा, वो सारा का सारा एरिया एक जैसा ही है, देख रहे हो, शायद मैंने यहाँ पे उसको नॉक करा था ना, यहाँ पे करा था ना नॉक, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से बारिश के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे है वो, शायद बेहोश है या भाई उड़ गया बेहोशी से, ये भी पता नहीं है। एक काम कर लेता हूँ, मेरे को वापस बेस पे जाना पड़ेगा, अपन लास्ट लोकेशन ये पे टेलीपोर्ट मार देंगे, अपन बेस पे जाके पहले देख लेते कि उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि मैं लोकेशन भूल गया, पुरानी लोकेशन पे मैं गया था 3029 पे, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं है, ओके ठीक है। हियर वी गो, रॉक ड्रेक 3025, ओके ठीक है, 3025 पे है ये, ऑल राइट आजा मेरे बच्ची चल, ओके भाई अभी यही बचा है अपना आखिरी सहारा, अपन ने टेलीपोर्ट कहाँ से मारा था, 2921, ओके 3025 पे पहुँचना है, वहाँ पे अपन को मिल जाएगा,
भाई बारिश के कारण पूरा एरिया भाई ये हो जाता है भाई, समझ में ही नहीं आता कहाँ पे थे कहाँ पे जा रहे हैं। ओके ठीक है 30 पे चल, 30-25 देयर वी गो, 21 ओके 30-25 बस उठा ना हो यार वो, अगर उठ गया होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। 30-23-24-25 वेर इज ओके रुक जाओ 25 पे पहुँच पहले ओके उसके बाद 30 पे चल 30 पे ये रहा भाई वो उठा नहीं भाई, नाइस काफ़ी बढ़िया। और इसने अभी तक खाया भी नहीं ना कुछ, रुक कलवा के लोटे खाना भी नहीं कुछ भाई, खाना भी नहीं। इसका फुटबार अभी तक भाई 1% भी कम नहीं हुआ भाई, हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो भाई, अभी तक 25 ही कम हुआ है। ले भाई तेरे लिए 2 फर्टिलाइज एग लेके आ गया हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का, पुट फूड टू टेम। ये स्पाई ग्लास ना हमेशा मेरा काटता है, ये स्पाई ग्लास ने गाइस काट दिया। ये बोल रहे कि इसको भाई भाई इसको आपको ये खिलाना ही नहीं है, पुट फूड इन इन्वेंटरी टू टेम। ये बोल रहे कि उसको कुछ खिलाना ही नहीं है आपको, मतलब ये अंडे खाएगा ही नहीं है, ये सिर्फ प्राइमेट खाएगा। देखो प्राइमेट डाला टीमिंग, बट भेज क्या कि भाई अंडों का क्या अचार डालो, ऑमलेट बना कोई खा जाओ क्या अभी मैं भाई, स्कैम कर रहे भाई मेरे साथ भाई, स्कैम कर रहे इतने मुश्किल से भाई, मर के लेके आया भाई, मर के लेके आया मैं अपने लिए। तेरा कह रहे आऊ कब से देख रहा हूँ, आऊ चल रहा है तेरा क्या रे, आऊ चल रहा है तेरा भेज क्या, रुक ये आईची कट रहे क्या रे, आऊ करे जा रहा है, आऊ करे जा रहा है तू है, तेरे को क्या भाई कारण, तेरे को चुल मच रही है क्या, पिछवाड़े पे काटता है, पिछवाड़े पे पीठ पे हमला करता है, पीठ पे हमला करता है। ले एक तो वो भाई वो रॉक ड्रेक ने भाई दिमाग का दही करके रखा है, ऊपर से तुम भाई मजाक कर रहे हो यार पांडे जी। ओके रुक जाओ, चलो भाई आ जाओ भाई, बड़े आराम से उसको भाई अपन को यहाँ पे ब्लैकबेरीज डाल के रखनी पड़ेगी और खिलाते रहना पड़ेगा। पता नहीं भाई कितना टाइम लेगा टेमिंग में, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है ये सालों ले लेगा टेमिंग में, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, देखते हैं भाई कितना टाइम लेता है भाई। किसको चुल मची है अभी, किसको चुल मची है, वुल्फ के पैक को, अबे बावड़ो, अबे वुल्फ, अबे घर, अबे भाई क्या, रुक जाओ शीशे उड़ा इनको, अबे उनको उड़ाना, अबे उड़ाना इसको भाई, हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर वुल्फ, अबे जाने दे भाई, मेरे से शादी करेगा क्या भाई, सीने में घुस गया मेरे भाई, हेलो निकल, ऐची कट कट रहे भाई, इसकी आँखें मारू तेरे भाई, ये देशद्रोही भाई, ये देशद्रोही भेज के आँख, देशद्रोही रॉक ड्रेक। चलो गाइस अभी और अपने पास कोई चारा नहीं है, बस वेटिंग वेटिंग वेटिंग, देखते कितना टाइम लगता है इसको टेम होने में, लेट्स गो चलो। 2000 years later. Okay guys, तो यहाँ पे भाई अपना जो रॉक ड्रेक था भाई ये हो चुका है भाई टेम आखिरकार भाई साहब। मैं इसको भाई यहाँ पे भाई इसके अंदर में बायोटॉक्सिन डाल के भाई निकल गया था भाई, जब होना है हो भाई 1000 इसको खिलाए, उसके बाद 90% हुआ था, मैं भाई निकल गया यहाँ से भाई, आके देखा तो भाई कच करके टेम हो चुका है ये मस्त, बेकि 615 लेवल का हो चुका है ये। ओके ये एकदम बढ़िया, ये एकदम बढ़िया, इसको रुक जाओ, इसको मस्त बेकि अपन ओके, ये बायोटॉक्सिन नहीं चाहिए मेरे को, रेंदो मेरे बातची। चलो भाई इसको अपन बेस के पास लेके चलते एंड इसके भाई शक्तियों का अपन इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसके पास कौन कौन सी शक्ति है भाई। एच बीच लिखा हुआ है तो भाई कोई खतरनाक वाली पावर होनी चाहिए इसके पास भाई सब, इंद्रधनुष्य देख रहे हो भाई, आसमान में इंद्रधनुष्य आ चुका है। ओके ठीक है चलो, रॉकड्रे को सैडल ना मांगे भाई, ये सैडल ना मांगे, रॉकड्रे का सैडल मांगेगा क्या भाई लोंडे, इक्विप अ सैडल यार, एच प्लूम रॉकड्रे के सैडल के लिए क्या चाहिए भाई, रुक जाओ, एच प्लूम रॉकड्रे के सैडल इज द रॉकड्रेक सैडल एक्चुअली में यहाँ पे था ठीक है, व्हाट द हेल, अच्छा मेरे को इन्वेंटरी में से ये करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, मैं मरा था ना तो इन्वेंटरी ये हो गई, रॉकड्रेक पायरेन रॉकड्रेक सैडल हियर वी गो भाई, ब्लैक पल बिग पल भाई आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ले भाई ईजी पीजी गाइस, ईजी पीजी बड़े आराम से बन गया भाई ठीक है। अभी देखते हैं भाई क्या क्या कर सकता है भाई ये रॉकड्रेक, अगर नॉर्मल रॉकड्रेक की तरह ही अगर ये निकला ना तो भाई ठीक है, फिर भी ठीक ही है क्योंकि रॉकड्रेक ओपी होते हैं भाई, रॉकड्रेक कुछ भी करो भाई ओपी होते हैं ठीक है। रुक जाओ ये रहा, अच्छा मेरे भाई ये ले 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 सैडल ले ले मेरे भाई, अच्छी सैडल ले ले भाई, तेरे लिए अंडे लेके आया था भाई, किसी काम के नहीं रहे भाई वो अंडे भाई, अंदर डाल ओ माय गॉड, लुक वाइज देख रहे हो कितना कूल है भाई ठीक है, थोड़ा सा वेट में डाल देता हूँ, थोड़े से डैमेज में डाल देता हूँ, ओ भाई लुक वाइज तो भाई नॉर्मल जैसा ही लग रहा है, ग्लाइड भाई, ये क्या अटैक था ठीक है, ये कौन सा अटैक था अचानक से भाई, एक मिनट रुक जाओ
हवा में ही करा मैं सारे अटैक ट्राई कर रहा था, क्योंकि रॉक ड्रेक जो है ना इसे ग्लाइड कर सकते हैं, आपको पता है ना, कच करके इसे भाई लाइट की तरफ आगे जा सकते हैं ना, वो वाला अटैक मैं इसके पास एक ही नहीं देख रहा था। रुक जाओ पहले इसको चुल मच रहे बहुत ज्यादा, रुक जाओ इसको मारने दो। ओके ठीक है, पहले आपको इसका लुक दिखाया जाए। रुक जाओ भाई, क्या ही चल रहा है भाई, रॉक ड्रेक इज द ओपी मैन, ओ माय गॉड, देख रहे हो भाई खतरनाक कलर। ओके ये बंद कर, नाइस, ओ माय गॉड खतरनाक, लेफ्ट क्लिक पे आसमान में देख रहा है, क्या है भाई आसमान में, क्या है भाई, क्या देख रहा है आसमान में, ठीक है। राइट क्लिक पे बाइट अटैक है, एक्स पे, ओ भाई पंच मारता भाई, लाइटनिंग पंच है कोई तो इसके पास। कंट्रोल पे कुछ करता नहीं, अल्ट पे, एक्स पे ये करता, सी पे, सी पे तो इनविजिबल हो जाता है, ये तो नॉर्मल है भाई, सी पे तो इनविजिबल हो जाता है भाई, ये किसी को दिखाई भी नहीं देगा। ले भाई पहली फुर्सत में निकल भाई, वो पंच वाला अटैक कितना दे रहा है भाई, पंच वाला अटैक, ओ भाई 3000, ओ भाई साहब खतरनाक भाई, खतरनाक भाई, ये ओपी अटैक था, ये ओपी अटैक था एक्चुअली में। ऊपर से ये अटैक जो है ना उड़ उड़ के भी कर सकता है, चिपक सकता है क्या नॉर्मल रॉक ड्रेक, ओ भाई ओके करा दी भेज दी भाई, क्या इतनी तारीफ कर रहा था मैं, करा दी भेज दी भाई, नॉर्मल रॉक ड्रेक की तरह चिपक नहीं सकता, नहीं चिपक सकता। ले भाई हो गया आ गए मजे भाई। ओ भाई ये फायर ये कर सकता है भाई, फायर बना सकता है अपने इन्वेंटरी में, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलो भाई इसने करा दी बेइज्जती भाई, बेइज्जती करा दी भाई लोंडे ने, निकल पहली कुछ। ओ भाई ये क्या अटैक था, एक मिनट ये कौन सा अटैक था भाई, ओ भाई खतरनाक भाई। अच्छा ये मतलब अगर अपन इसे ग्लाइड करके ग्लाइड करते करते अगर राइट क्लिक करते हैं तो उस पर वो अटैक है। हाँ भाई घूम तो जा भाई, घूम तो सकता है ना पहाड़ पे, या फिर वो भी नहीं कर सकता, ठीक है चलो सही है। उड़ जा, ये लो भाई अभी देखो, वो भाई खतरनाक 7000 दे रहा है। वैसे बाइट अटैक कितना है इसका, 7000 है, और वैसे भी 7000 दे रहा है, क्या फ़ायदा भाई। ये ले पंच, लो भाई मेरा पंच खाओ, मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। लो भाई ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ना, क्या रे ये आला, ये लो भाई मेरे पीछे पीछे आते हो, ये लो भाई बुक्का मार के भाई मारूंगा, ये लो ये देखो भाई बुक्का मार रहा है भाई, ये लो भाई बुक्के मार रहा है भाई लूंडो को। लो भाई इलेक्ट्रिक बुक्का खा लो भाई, ये ले इलेक्ट्रिक बुक्का भेज, क्या मारूं तेरे, लाड़ में आ रहे भाई ले भाई, और डैमेज में पॉइंट, और बहुत ज़्यादा डैमेज में पॉइंट, फिर भी को 6000 3000, नाइस एक्सलेंट वर्क, 8000 डैमेज में पहुंच गए, काफ़ी बढ़िया। वो शायद नीचे से अगर अपन, ओ ये वाला अटैक ये देख रहे हो, लेकिन अपन को ये अटैक करने के लिए थोड़ा सा ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। रुक जाओ भाई थोड़ा सा, क्या भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाने के लिए रेडी है अपन। ओके रुको भाई, सारे अटैक देख के ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी है भाई एक आधा अटैक मिस कर देंगे, बस ये ऊंचाई पे पहुंच जाए। ओके ठीक है, इतना तो चढ़ गया, ये अच्छी बात है। अबे जा रहे बीच में क्यों आ रहा है, नाइस ग्लाइड कर। ये क्या भाई, अटैक भी अटैक नहीं है उसका, कुछ तो ऐसा जमीन पे बैठ जाता है उसका, 170 डैमेज है, पता नहीं क्या है वो, शायद ग्लाइड कर सकता कच करके, उसके कारण वो ऐसे चिपक जाता है शायद कहीं पे, नॉर्मल रॉक ड्रेक के पास होती है ना वो एबिलिटी में भी। ये खतरनाक लगा यार, ये अटैक मेरे को खतरनाक लगा, जो लाइटनिंग हाथ से बुक्का मारने वाला अटैक है ना, ये ले भाई ब्रॉन्टो बिंटो की 2 बुक्के में पेटी भाई, ये ले 3 बुक्के में, किसी की 4 बुक्के में, लेकिन खतरनाक है यार। रॉक ट्रैक मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बस इसकी एक ही दिक्कत है, कहीं पे चढ़ नहीं सकता, ये सरफेस पे चढ़ नहीं सकता, वही बात है यार, वरना ही ओपी हो जाता भाई। आए कैसे मोड मार रहा है, आए हाय खतरनाक यार खतरनाक। चलो फिर ग्लाइड करते करते घूमते हैं ना, नाइस। ओ भाई पानी में नहीं गिरना बे, लग गए भाई पानी में गिर गया भाई, पानी में अटैक कर सकता क्या वो वाला, लाइटिंग अटैक पानी में भी कर सकता है, अच्छी बात है। लो भाई नाइस खतरनाक गाइस। ओके गाइस, तो ये क्या है भाई, ये गाइस मेल रॉक ड्रेक। तो गाइस एक काम करना, नीचे कमेंट सेक्शन में जो ना भाई मेल वाले रॉक ड्रेक के भाई मेल वाले नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। वो भाई ये देख रहे हो खतरनाक है यार ये। और गाइस आज का जो एपिसोड है गाइस पायरिया का, इस एपिसोड में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं गाइस आर्क पायरिया के अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आपसे मिलते हैं आर्क पायरिया के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a cup.